इसको ऐसे पकड़ के रख लो। सर आप खड़े नहीं है, एडजस्ट आप लोग भी डिस्कशन में पार्ट लीजिए। ये यूट्यूब पे रहेगा। आप एकदम ब्लैक बोर्ड पे उधर खड़े रहे, पीछे रखे सर, पीछे करके ना बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा। राष्ट्रवाद पर किस तरह के सवाल आते हैं, हमने ये लिखा कौन सी मुख्य किताबें हैं जो टेक्स्ट बुक के अलावा तुम्हें पढ़नी है या तुम लोगों ने नोट कर लिया। अब पहला सवाल आज हम विश्लेषण करेंगे, राष्ट्रवाद के मायने क्या है, ये इतना शक्तिशाली क्यों आधुनिक काल में हो गया और इसका शक्तिशाली बनने के कारण क्या, और इसकी क्या कुछ नकारात्मक पहलू भी है, उन पर भी हम गौर करेंगे। पहले देखते हैं राष्ट्रवाद का मतलब क्या है। तो आप कैसे कोई परिभाषा दे सकते हो, क्योंकि मैं कहते सब महसूस करते होंगे थोड़ा बहुत अपने अंदर राष्ट्रवाद महसूस करते हो। व्हाट इज योर आंसर, क्या राष्ट्रवाद की भावना अपने अंदर आप लोग महसूस करते हो? Yes, अब अगर ये उग्र हो जाए, यानी कि अपने देश से प्रेम ये एक चीज है पर दूसरे देशों से नफरत वो हो गया उग्र राष्ट्रवाद, तो वो एक नकारात्मक चीज, जहां हम पैदा हुए हैं और जिस राज्य में रहते हैं उसके लिए कुछ करने की तमन्ना होना, भावना होना, उसके लिए कुछ कुर्बानी भी देने की सोचना, ये सब अच्छी बातें। पर अगर हम इस भावना को अगले चरण की तरफ बढ़ाते हैं कि किसी और देशों से नफरत करने लगे, हिंसा की बात सोच, तो वो उसका उग्र और नकारात्मक रूप है। अब सकारात्मक जो भावना आप महसूस करते हो उसकी परिभाषा क्या हो सकती है, राष्ट्रवाद है क्या? जो भी बोले उसके ऊपर कैमरा ओके। इसमें कुछ और ऐड करने की जरूरत है, कोई और कर सकते हो? देखो नेशनलिज्म और पेट्रियोटिज्म, राष्ट्रवाद और देशभक्ति, ये जुड़ी हुई चीजें, इनमें थोड़ा सा बस फर्क है कि राष्ट्रवाद उसका ज्यादा आधुनिक स्वरूप है, पेट्रियोटिज्म यानी कि जिस माहौल में हम पैदा हुए उसके लिए वफादारी की भावना, ये राष्ट्र राज्य से बनने से पहले भी थी। जैसे एक बहुत खूबसूरत कहानी है रविन्द्रनाथ टैगोर की काबुलीवाला। काबुलीवाला एक पठान है जो कि घूम घूम कर मेवा लाता है काबुल से और कलकत्ता में बेचता है, पर उसको अपनी जब भी अपने वजन की याद आती है वो उसकी तुलना अपनी माँ के दामन से, अपनी बेटी की मुस्कान से उनसे जोड़ता है। तो ये जो लगाव है ये पेट्रियोटिज्म है। उस समय राष्ट्र राज्य नहीं था अफगानिस्तान, पर आधुनिक जब राष्ट्र राज्य से जोड़कर हम करते हैं तो उसे नेशनलिज्म बोलते हैं, उसका एक बारीक सा फर्क है। पर पूरी परिभाषा देने के लिए इस तरह से लिखना उचित होगा, आप नोट कर लो, राष्ट्रवाद उस भावना का नाम है जिसके कारण न केवल एक समुदाय
अपने को एक महसूस करता है, बल्कि इस एकता के संरक्षण और समुदाय के संवर्धन डेवलपमेंट के लिए अपना स्वतंत्र राष्ट्र राज्य चाहता है। कुर्बानी देने का जज्बा भी रखता है। ये राष्ट्रवाद यहां ये भी जोड़ना जरूरी होगा कि राष्ट्रवाद कुछ और निष्ठाओं को दबाकर आगे बढ़ता है, जैसे हर व्यक्ति की बहुत सारी आइडेंटिटीज या पहचान हो सकती है, परंतु राष्ट्रवाद एक राष्ट्रीय पहचान को उन सब पर हावी बना देता है, जैसे धार्मिक पहचान, जातीय पहचान, स्थानीय पहचान, भाषा की पहचान। अपने क्षेत्र में जितनी भी पहचानें हैं व्यक्तियों की, उनको गौण बनाकर राष्ट्रवाद राष्ट्र की और राज्य की निष्ठा को सर्वोपरि बनाने की चेष्टा करता है। और यही नहीं, जो मानवीयता और मानव मात्र के लिए एक लगाव होना चाहिए उसको बांट देता है, विभाजित करता है राष्ट्रीय पहचानों को। अब एक महत्वपूर्ण सच्चाई ये है कि प्रारंभिक आधुनिक काल से यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास हुआ, और आज कोई ही समुदाय होगा दुनिया में, कुछ डिस्टेंट फॉरेस्ट ट्राइबल्स वगैरह को छोड़कर, जो राष्ट्रवाद की भावना जहां ना और शक्तिशाली ना, यहां तक कि धर्म से भी ज्यादा, जाति से ज्यादा, सभी और निष्ठाओं से ज्यादा राष्ट्रवाद पैठ पकड़ चुका है आधुनिक युग में। ये भी कहा जा सकता है कि जितनी जाने राष्ट्र प्रेम के लिए दी गई हैं और ली गई हैं, इतनी मजहब के लिए भी नहीं ली गई या दी गई। दूसरी ओर राष्ट्र के नाम पर जितना सुंदर संगीत, राष्ट्रगान, कविताएं, साहित्य रचा गया, ये उसका सकारात्मक पहलू है, उतना और बहुत कम विचारों को लेकर एक मानवीयता के अलावा शायद रचा गया। तो राष्ट्रीयता इससे क्या सिद्ध होता है, एक बहुत ही पावरफुल विचार और भावना साबित हुई आधुनिक युग। इसका विकास लेकिन कब हुआ और आधुनिक युग में ही क्यों इतनी शक्तिशाली हो गई, अभी हम इस पर बात करेंगे। आप इसे कोई जानता है ये कब से शुरू हुआ राष्ट्रवाद उभरना और उसके क्या प्रमाण मिलते हैं, सबसे पहले कहां आया, क्यों आया? ये जो इतना शक्तिशाली विचार और भावना है, इसका हमें फिर कारण ढूंढना चाहिए। आप लोग सोच सकते हो क्या? नहीं, हिटलर तो बहुत बाद में आया, प्रारंभिक आधुनिक युग में, बल्कि मध्यकाल के अंत में राष्ट्रवाद पनपना शुरू होता है।
वेरी गुड। ब्रिटेन और फ्रांस में 100 ईयर्स वॉर के दौरान, इससे पहले जो लोग हैं वो या तो अपने राजतंत्रों के अधीन होते थे और उनकी निष्ठाएं सबसे पहले अपने परिवार के प्रति, अपने गांव के प्रति, अपने कुटुंब के प्रति, या हमारे देश में जैसे जाति के प्रति बहुत ज्यादा, और धर्म के प्रति। ये बड़ी शक्तिशाली निष्ठाएं होती, निष्ठाएं का लॉयल्टीज। पहले राष्ट्रवाद नहीं था, इसका एक बहुत छोटा प्रारूप कह सकते प्रोटो नेशनलिज्म मध्य युग के अंत में 100 ईयर्स वॉर के दौरान ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में उभरता नजर आता है। जब फ्रांस के लोगों ने, जैसे जोएन ऑफ आर्क का नाम सुना होगा तुम लोगों ने, इसके बारे में कुछ जानते हो? 14वीं शताब्दी में जोएन ऑफ आर्क एक किसान की बेटी थी, उसने फ्रांस को रौंदे जाते देखा ब्रिटिश सेनाओं द्वारा, तो फ्रांस के सेनाओं को और नागरिकों को लामबंद करने के लिए उसने कोशिशें शुरू की और खुद उसने लीड किया कई बैटल्स में, और सैनिक उसकी बात सुनकर, और ये एक राष्ट्रवाद का उदाहरण है, जैसे हमारी यहाँ झांसी की रानी हुई बहुत बाद में, लेकिन ये जोएन ऑफ आर्क लड़की थी, छोटी, बहुत ज्यादा उम्र नहीं थी उसकी, और किशोरी थी शायद वो, ठीक है, पर उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना भी थी, हिंदू मुस्लिम सब उनके साथ लड़े थे कि फिरंगी को हमें नहीं आने देना है, इसलिए खाली ये नहीं कि मैं झांसी नहीं दूंगी, लेकिन वो एक राष्ट्रीय भावना से भी प्रेरित थी और औरों को भी प्रेरित कर पाई, तभी तो वो टक्कर दे पाई अंग्रेजों, मतलब छोटी सी झांसी इतनी लंबी लड़ाई कैसे लड़े, है ना? तो राष्ट्रवाद की भावना उस समय नजर आती है इन लोगों में, पर इसकी बहुत पहले शुरुआत जैसे मैंने कहा करीब 14वीं शताब्दी में फ्रांस और जर्मनी की जो 100 ईयर्स वॉर, और उसमें जोएन ऑफ आर्क एक एग्जांपल है। फिर ब्रिटेन में ऐसे ही बाद में स्पेनिश आर्माडा का अटैक हुआ था, तो एलिजाबेथ की स्पीच है बहुत फेमस 16वीं शताब्दी, जब वो मोबिलाइज करती हैं, इकट्ठा करती हैं, स्पेन की तरफ से एक बड़ा आक्रमण होने जा रहा है सैनिकों, तो वो भी नेशनलिज्म का उदाहरण है कि हम सब लोग अपने जातीय और वहां पर कबीलाई जो भी झगड़े हैं, वर्गों के झगड़े हैं, सब दूर करके हम इस क्षेत्र में रहने वाले सब लोग एक हैं। ये मैंने कहा ना, ये एकता का पहला पॉइंट होता है राष्ट्रवाद, इससे शुरू होता है, और ये जो एकता है वो कई आधारों पर हो सकती है, कभी कभी वो भाषा के आधार पर होती है, जैसे जर्मनी फ्रेंच लोग, उनका राष्ट्रवाद एक भाषा के आधार पर मुख्यतः है, पर हमारे देश का राष्ट्रवाद एक भाषा के आधार पर नहीं है। पाकिस्तान में एक मजहब को लेकर के राष्ट्रवाद बनाने की चेष्टा की गई थी। हमारा जो राष्ट्रवाद है वो किस चीज पर आधारित है? हाँ, सेक्युलरिज्म हमारी जो राजनीति और राज्य व्यवस्था है उसका एक विशेष गुण है, और वो भी एक खास तरह का सेक्युलरिज्म जो धर्म को दबाता नहीं है, रिस्पेक्ट देता है, लेकिन बराबर की दूरी रखता है राज्य, बल्कि दूरी नहीं रखता। हमारे देश का जो सेक्युलरिज्म है उसकी एक खास बात यह है कि माइनॉरिटीज को एक्स्ट्रा राइट्स देता है, कम से कम कागजों में, संविधान में। तो हमारे देश का जो सेक्युलरिज्म है वो फ्रांस के सेक्युलरिज्म से अलग है, इस मायने में कि माइनॉरिटीज के लिए स्पेशल राइट्स है जो मेजोरिटी को भी नहीं, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, या हज को लेकर फाइनेंस करता है, हेल्प करता है स्टेट, ये मेजोरिटी को नहीं देता हक, तो हम लोग स्पेशल राइट्स देते हैं माइनॉरिटीज को, ये बड़े गर्व की बात है, ये हमारा सेक्युलरिज्म।
और खैर हम बात करें खाली सेक्युलरिज्म, ये तो एक वैधानिक बात हो गई। भावना जो है हमारी एकता की, वो इस विचार पर आधारित है कि अनेकता में एकता है हमारे कल्चर, और उस एकता के कुछ, ऐसा नहीं खाली किताबी बात है, उसके कुछ स्पष्ट अभिव्यक्ति भी होती है। और सबसे महत्वपूर्ण उसमें है हमारा आजादी की लड़ाई। जो लोग इकट्ठे कोई संग्राम करते हैं उनमें एक अलग तरह की एकता होती है, इन्हें जो एक से गाने गाते हैं उनमें एक भावनात्मक एकता होती है, नहीं? और ये बॉलीवुड में तो खूब दिया है ना? तो कुछ ये एक लाइटर एस्पेक्ट है, लेकिन जो हमारा सीरियस एस्पेक्ट है कि हम मानते हैं कि हमारा पास, और वो डिस्टेंट पास नहीं कह सकते कि हम हमेशा से एक रहे हैं, हालांकि कुछ बुराइयां हैं जो हमेशा से एक काफी हजारों साल से रही, जैसे कास्ट सिस्टम। ये उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, हिंदुस्तान में हिंदुओं में मुसलमानों में सब में पाया जाता है। तो ये एक एकता का पहलू हो गया, लेकिन ये कोई गर्व करने वाली बात नहीं है। जो हमारे अंदर गर्व करने वाला सबसे अच्छा अध्याय हमारे इतिहास का, जो हमारी आधारशिला बनाता है एकता की, वो है हमारी आजादी की लड़ाई, जिसका बहुत कम, जिसके पैरेलल या समतुल्य आंदोलन और दुनिया के देशों में है। इतने बड़े पैमाने पर और इतनी अहिंसा के साथ और इतने भाईचारे के माहौल में, यहाँ तक कि गांधी का जैसे कहना था शत्रु को भी हमें हेट नहीं करना चाहिए, ये दुनिया के आंदोलनों में बहुत ही खास आंदोलन है। और पहली बार कुछ जाति, निम्न जातियां, हिंदू मुस्लिम सब मिलकर और महिलाएं इतने बड़े पैमाने पर आंदोलन में आई, ये इतिहास में हमारे पहली बार है। तो ये एक आधार हो गया। तो जो आधार है एकता का, वो कुछ भी हो सकता है, और कई बार वो केवल कल्पना पर आधारित होता है कि हम लोग एक हैं। ये देखा जाए तो अभी मैं इस बात पर और आऊंगा। एक विचारक है बेनेडिक्ट एंडरसन, उनकी किताब का नाम है इमेजिन्ड कम्युनिटीज। वो खासतौर पर इस बात पर जोर देते हैं। देखा जाए तो ये जो राष्ट्रीय पहचाने हैं, ये केवल कल्पना की ही तो बात है कि यहाँ हिंदुस्तान खत्म होता है और चीन शुरू होता है। अब हो सकता है कि जो मैकमोहन लाइन है, जो चाइना और इंडिया के बीच में ड्रॉ की गई है, उसके दोनों तरफ एक ही परिवार के भाई रहते हो, तो ये कुछ हद तक आर्बिट्ररी और इमेजिनरी लाइन्स हैं नेशंस। ये इसकी एक विडंबना भी है, पर एक स्तर पर आकर जो ये सच्चाई है कि इस पहचान के लिए लोग बहुत ज्यादा निष्ठा महसूस करते हैं, और उसके लिए लोगों ने कुर्बानियां भी दी हैं और जाने भी दी हैं। बहुत शक्तिशाली भावना। अब हम इस बात पर आते हैं कि ये भावना जोएना मॉल के टाइम से शुरू होकर और आज गांधी या यूक्रेन लड़ रहा है रशिया से, लोग जान देने के लिए तैयार है अपनी सरहद के लिए, हम लोग भी इसी तरह से, ये भूमि हमारी है। कश्मीर चाहे अगर अलग भी होना चाहता है इंडिया से, कुछ लोग कश्मीर में, वो भी लेकिन अपना राष्ट्र राज्य चाहते हैं, वो भी अपनी राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता से बाहर नहीं है वो लोग, पर उनकी राष्ट्रीय निष्ठा दूसरी है। पर सौभाग्य की बात यह है कि नहीं, बहुत सारे कश्मीरी हमारे इलेक्शंस में खुले तौर पर बगैर दबाव के वोट डालते हैं, वो हिंदुस्तान से अलग अपने आप को महसूस नहीं करते, पर थोड़े से लोग हैं जो अलग महसूस करते हैं, ये भी एक सच है। पर वो लोग भी अपने राष्ट्र के लिए लड़ रहे हैं। ये राष्ट्रीयता का महत्व है आधुनिक काल। अब ये इतना ज्यादा शक्तिशाली क्यों हो गया, इसके बारे में सोचते हैं आप लोग, कोशिश करो, ये विचारधारा इतनी शक्तिशाली क्यों है। और हर चीज की एक लिमिट में ठीक होती है, जैसा मैंने कहा अल्ट्रा नेशनलिस्ट नहीं होना चाहिए,
अपने देश के लिए जरूर कुछ करने की भावना होनी चाहिए, पर कहां आकर राष्ट्रवाद गलत हो जाता है, अभी मैं उस पर आऊंगा। पर अभी हम ये बात कर रहे हैं कि इतना ज्यादा शक्तिशाली क्यों ये भावना बन गई है आधुनिक काल में आकर, और पहले नहीं थी। आप तो ट्राई कर सकते हो, आप सब हिंदुस्तान का इतिहास भी पढ़ रहे हो, उसे आप लोग पढ़ रहे होंगे, राष्ट्रवाद का जन्म 1857 ही पढ़ा, को कुछ लोग कहते हैं हिंदुस्तान का पहला स्वतंत्रता संग्राम नहीं, इस विचार से कई और लोग भी विरोध नहीं करते, कई लोग इसको पहला स्वतंत्रता संग्राम के रूप में देखते हैं, पर जो हिंदुत्ववादी थे वो हिंदू प्रधानता की बात करते हैं। पर बिपिन चंद्र है या और इतिहासकार भी है जो ये दिखाते हैं कि हिंदू मुस्लिम मिलकर लड़े और फिरंगी को बाहर करने का एक भावना इसमें क्योंकि नजर आती है, इसलिए इसको राष्ट्रीयता का ये अभिव्यक्ति कहा जा सकता है। और फिर हमारा जो कांग्रेस की स्थापना और कुछ रेवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर्स भी थे, वो लोग भी हिंदुस्तान के लिए लड़ रहे थे, चापेकर गंगू वगैरह जो शुरुआत के रेवोल्यूशनरी थे 19वीं शताब्दी से, स्पष्ट तौर पर ये भावना नजर आती है। अब ये क्यों इतनी शक्तिशाली बनी है, वेरी गुड, ये दोनों आधुनिक काल में इकट्ठे बढ़ रहे हैं, इसलिए दोनों में कई लोगों ने संबंध देखा है कि राष्ट्रीय भावना भी बढ़ रही है और मिडिल क्लास का भी जो बहुत छोटी होती थी मध्य काल में, प्राचीन काल में थोड़े से हकीम वैद्य थोड़े से टीचर्स, लेकिन आधुनिकता ने मध्यम वर्ग को एक बहुत बड़ा विस्तार दिया है। तो खासतौर पर जो मार्क्सवादी इतिहासकार है कई, वो बूर्जुआ वर्ग से जोड़कर देखते हैं राष्ट्रवाद, हॉब्सबॉम एडी स्मिथ वो मार्क्सवादी नहीं है लेकिन वो भी मिडिल क्लास से जोड़कर देखते हैं। पर दूसरी तरफ और कुछ इतिहासकार है जैसे वेलिंगटन मूर, उन लोगों ने दिखाया है कि राष्ट्रवाद की भावना मध्यम वर्ग में ही विशेष हो ऐसा नहीं है, किसान यहां तक कि जमींदार भी रूस के पूर्वी यूरोप में या हमारे हिंदुस्तान की जो आजादी का आंदोलन रखे जमींदारों के बेटे उसमें भाग नहीं ले रहे थे, कितना बढ़ चढ़ कर ये सब राजेंद्र प्रसाद हो रहे सब तो छोटे छोटे जमींदारों के ज्यादातर बेटे थे जो पढ़ लिख गए। तो केवल बूर्जुआ वर्ग से ही आया है राष्ट्रवाद ऐसा कहना उचित नहीं है। फिर सवाल उठता है कि और क्या फिर कारण हो सकता है, मध्यम वर्ग की इसमें भूमिका है पर इसके अलावा भी हमें कुछ और कारण, हाँ आधुनिक शिक्षा ये बहुत महत्वपूर्ण है, पर आधुनिक शिक्षा में राष्ट्र को महत्व दिया जाता है, अगर ये नहीं दिया गया होता तो शिक्षा अपने आप में राष्ट्रवाद नहीं बढ़ाती, पर क्योंकि राष्ट्रीय सरकारें शिक्षा पर कंट्रोल करती हैं, इसलिए भारत का नक्शा हर देश में उस देश का नक्शा बचपन से सिखाया जाता है ना, उस देश का बाल तो ये बचपन से माइंड में बैठ जाता है, तो शिक्षा इस नजरिए से, पर ये शिक्षा राष्ट्र की और मध्यम वर्ग की के चुनाव के कारण राष्ट्र को इतनी प्राथमिकता देती है। जरूरी नहीं है कि शिक्षा आपके यहाँ पे जो पुरानी शिक्षा थी चर्च की आश्रमों की या मदरसों की उसमें तो राष्ट्रवाद नहीं पढ़ाया जाता था, तो शिक्षा अपने आप में नहीं करेगी, लेकिन अगर राष्ट्रीय सरकार का कंट्रोल है शिक्षा पर तो कारण असल में राष्ट्र राज्य है ना कि
शिक्षा अपने आप में, पर शिक्षा एक बहुत शक्तिशाली औजार है राष्ट्र राज्य के पास राष्ट्रीय भावना को फैलाने का। इसी तरह से आधुनिक संचार माध्यम, पर इसके अलावा एक चीज और समझने की जरूरत है कि असल में इंसान की फितरत में है किसी समूह से वो जुड़ना चाहता है, उससे अपनी पहचान बनाना चाहता है। और आधुनिक काल से पहले ये पहचान ज्यादातर कुटुंब, जाति या स्थान से होती थी। फिर जो आधुनिक अर्थव्यवस्था आई जिसमें कि आपका रोजगार, आपका जीवन स्तर केवल स्थानीय गतिविधियों पर आधारित नहीं है, अब दूर दराज के भाव क्या है, सप्लाई कैसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है कि नहीं है, इस सब पर डिपेंड करता है। ये आधुनिक अर्थव्यवस्था ने तब्दीली ला दी, तो लोगों का सोचने का नजरिया स्थान और लोकैलिटी से हटकर अब थोड़ा व्यापक स्तर पर आ गया। और साथ ही संचार क्रांति, प्रेस इत्यादि की भूमिका और सबसे महत्वपूर्ण राज्य की भूमिका बदली, और राज्य सबसे बड़ा अस्त्र है राष्ट्रवाद का। राज्य उसको इस्तेमाल भी करता है और उसको उसका प्रचार के लिए मुख्य तौर पर जिम्मेदार है। यही नहीं कि वो शिक्षा राष्ट्रीय रूप से विकसित कराता है, सिलेबस, टॉपिक्स, बल्कि जो अवार्ड्स दिए जाते हैं, शहीदों की जो श्रद्धांजलियां दी जाती हैं, वो सब एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है राष्ट्रवाद को बढ़ाने की लोगों को। और राष्ट्र क्योंकि राज्य ये करता है आधुनिक काल में, इसलिए ये बहुत शक्तिशाली एक साधन हो गया राष्ट्रवाद को बढ़ाने का। समझे, राष्ट्रवाद आधुनिक काल में ही क्यों इतना ज्यादा शक्तिशाली हुआ, ये बात क्लियर है आप सबको? पहले नहीं था, जब इतना शक्तिशाली हुआ ये इंसान की फितरत में तो नहीं कि शुरू से ही था। इंसान की फितरत में है कि वो कोई पहचान ढूंढता है, पहले लोग पहचान दूसरी चीजों में ढूंढते थे, धर्म में खासतौर पर। अब ये भी एक हुआ है कि तर्कवाद के बढ़ने के कारण धर्म के अंदर जो निष्ठा और विश्वास है वो थोड़े कम हो गए, है ना? उसकी भी जगह राष्ट्रवाद ने ले ली, जो धर्म के प्रति गहरी भावना होती थी उस जगह कुछ हद तक राष्ट्रवाद आ गया, क्योंकि अब लोगों का नजरिया तर्कवादी ज्यादा है। और इसके अलावा अपने राष्ट्र राज्य से, जैसे मैंने कहा राष्ट्रवाद का एक महत्वपूर्ण पहलू है कि राष्ट्र राज्य को स्वतंत्र चाहते हैं हम लोग और उसके लिए कुर्बानी तक दे सकते हैं। ये हम इसलिए भी करते हैं कि राज्य आज हमारे जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। पुराना जो राज्य होता था वो केवल जमींदारों को जमीनें दे देगा, वो लोग कर इकट्ठा करेंगे, केंद्र से बैठकर ना तो उसके पास सामर्थ्य था ना रुचि थी सब लोगों के जीवन को बारीकी से निर्धारित करने की। पर आज का जो राज्य है, आधुनिक राज्य है, उसके पास सामर्थ्य है ना? ट्रांसपोर्ट आधुनिक बनने से, कम्युनिकेशन से, और सबसे बड़ी बात आधुनिक शिक्षा इत्यादि से, और फिर वो डेमोक्रेसी के बढ़ने से भी, वेलफेयर स्टेट के आने से जो राज्य का संबंध है नागरिक से वो कहीं ज्यादा गहरा हो गया है, ठीक है? इसलिए और ज्यादा राष्ट्र राज्य से और फिर राष्ट्रीयता से लोग अपने को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। अब हमने देखा राष्ट्र राज्य का राष्ट्रीयता का मतलब क्या है, कब से वो विकसित हुआ, क्यों इतना शक्तिशाली बना। अब देखते हैं कि इसके कुछ खतरे भी हैं, और एक मैंने विडंबना की पहले ही बात की, ये देखा जाए तो कुछ हद तक संयोग की बातें हैं कि कहां पर हम राष्ट्रों की सरहदें निर्धारित करते हैं, ये प्रकृति ने नहीं बनाई हुई,
ये हिस्टोरिकल एक्सीडेंट्स का भी रिजल्ट है। हो सकता है लाहौर पाकिस्तान के बजाय इंडिया में आता, जब कश्मीर पाकिस्तान को गया तो सरहदें दूसरी होती, वहां के लोगों की भावनाएं शायद दूसरी होगी, है ना। ये सब एक्सीडेंट्स का भी रिजल्ट है। जर्मनी जब एक हुआ तो उसमें पोलैंड पोलिश बोलने वाले बहुत सारे लोग थे, फ्रेंच बोलने वाले कुछ लोग, पर धीरे धीरे वो लोग अपने आप को जर्मनी से जोड़कर देखते रहे, ठीक है। तो ये कुछ हद तक एक्सीडेंट्स पर बेस्ड है, ये कुछ प्रकृति ने ये सरहदें नहीं निर्धारित किए हर जगह, ठीक है। पर उससे भी एक विचारणीय बात यह है कि आधुनिक राष्ट्रवाद में कई तरीके के नकारात्मक पहलू और बीज भी हैं और खतरे भी। एक तो ये कुछ मिथकों पर आधारित होता है। आज पहली बात तो ये कि वो एकता की भावना पर आधारित, एक समुदाय, अब वो एकता की भावना मिथक हो सकती है। जैसे आज पाकिस्तान में बलूच लोग हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो लोग अपने आप को इस राष्ट्र का बहुत ज्यादा निष्ठा से सदस्य महसूस नहीं करते। हिंदुस्तान में भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं। तो हम एक विचार को ज्यादा जोर से प्रचारित करते हैं, पर उसमें सत्य पूरा हो ये जरूर